दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड को कंट्रोल कैसे करें। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह प्रचलित मुहावरा कई मायनों में इसलिए भी सच है क्योंकि सब कुछ हमारे मन और इंद्रियों के कारण ही होता है। मन कभी भी एक स्थान पर नहीं रहता है और हमेशा किसी न किसी वजह से भटकता रहता है। कुछ लोगों का मन अधिक भटकता है, वहीं कुछ लोग अपने भटकते हुए मन पर काबू पा लेते हैं। वास्तव में मन भटकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक खराब एनवायरनमेंट, आपके अतीत की घटनाओं सहित कई अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपका मन तेजी से भटकता है तो इसका असर आपके डेली लाइफ पर भी पड़ता है और जिसके कारण आप अपने कार्यों को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी मन तेजी से भटकता रहता है और आप भी चाहते हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम आपके साथ 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप शेयर करेंगे जिसे अगर आप अच्छे से समझते हैं और उसे अनुशासन के साथ अपने डेली लाइफ में फॉलो भी करते हैं तो आप भी अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं हमारा मन क्या है। मन हमेशा आनंद की तलाश में रहता है। माइंड हमेशा कहता है, मुझे यह चाहिए, मैं इसका आनंद लेना चाहता हूँ। मन वहाँ हमेशा होता है जहाँ न्यूनतम प्रयास और अधिकतम योजनाएं होती हैं। हमारी 5 इंद्रियां हमारे आसपास के अनुभवों को इकट्ठा करती हैं और मन को सिग्नल भेजती हैं। जब यह अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हैं तो उन अनुभवों से मन को नियंत्रित किया जा रहा है। मन भोग और पीड़ा के अनुभवों से जुड़ा होता है। कभी मन कहता है, मुझे यह चीज नहीं चाहिए क्योंकि यह दुख का कारण है, तो कभी मन हर वस्तु हासिल कर लेना चाहता है क्योंकि उसी से उसे आनंद मिल सकता है। मन यह नहीं देखता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। टिप्स नंबर 1, मेडिटेशन करें। प्राचीन काल से ध्यान के सहारे लोग अपने मन पर काबू करते आए हैं और यही कारण है कि आज भी लोग एक दूसरे को मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह सिर्फ एक सलाह ही नहीं है, बल्कि ध्यान या मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठता है तो उसका मन और दिमाग बहुत तेजी से इधर उधर भटकता है, लेकिन आपको अपने मेडिटेशन सेशन को पूरा करने के लिए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है और इसी प्रक्रिया में आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू पाना सीख जाते हैं और फिर आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा बदलाव होता है। टिप्स नंबर 2, अपने काम से प्यार करें। कई बार ऐसा होता है कि मन पर काबू न होने के कारण काम में मन नहीं लगता है और व्यक्ति या तो वह काम अधूरा छोड़ देता है या फिर उसे शुरू ही नहीं करता। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना एवं मन पर काबू पाना चाहते हैं ना, तो जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता है तो उसी समय उस काम को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति बेहतर होती है बल्कि आपको अपने मन को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। यह आपके दिमाग की मांसपेशियों का व्यायाम करने जैसा है ताकि वह स्ट्रांग हो सके। इसके अलावा इससे मस्तिष्क की एक्सरसाइज भी होती है जिससे आप यह समझ पाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। टिप्स नंबर 3, अपने दिमाग को शांत रखें। जब भी कभी आपका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहे या आपका मन भटके तो आपको अपने मस्तिष्क के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान आप अपने आप से ही बात करें, अपने मन और मस्तिष्क को अपना दोस्त बनाएं। इसके साथ ही अपने इंटेलिजेंस और मस्तिष्क को जोड़ने की कोशिश करें। वास्तव में इंटेलिजेंस बेहतर समझ से आता है। जब आप अपने मस्तिष्क से जुड़े रहेंगे ना और खुद से बातें करेंगे तो इससे आप इन दोनों के अधिक करीब होंगे और इन्हें समझने में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। इसलिए जब कभी भी भटकाव हो तो अपने मस्तिष्क को शांत रखें, इससे मन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। टिप्स नंबर 4, अपने विचारों पर ध्यान दें। जब कभी आपको लगे कि आपका अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है, आपके दिमाग में फिजूल की बातें आ रही हैं और आपका मन तेजी से भटक रहा है, इस पर काबू पाना मुश्किल है, तो आराम से बैठ जाएं और यह सोचें कि आपके मन या दिमाग में जो बातें आ रही हैं
वह एक भ्रम है जो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में मन या मस्तिष्क में कोई भी विचार हमारे पिछले अनुभवों से ही आते हैं। इसलिए बहुत परेशान होने की बजाय यह सोचें कि आपके मन में आखिर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए नई नई चीजें सीखें और करें जो आपके मन और दिमाग के लिए दोनों के लिए सही हो। टिप्स नंबर 5, खुद को समझें। आमतौर पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग मन में आ रहे विचारों से घबरा जाते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू पाना चाहते हैं तो अपने दिमाग और मन को समझने की कोशिश करें। शांतिपूर्वक इस बात का अवलोकन करें कि किसी भी तरह की चीज घटित होने या उसका अनुभव होने के बाद आपका मन कैसे रिएक्ट करता है। अपने मन और मस्तिष्क में आ रहे विचारों को ध्यान से सुनें और अपने आप से सवाल पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं, और पता लगाने की कोशिश करें कि यह विचार आपके दिमाग में कहां से आ रहे हैं। उस स्रोत का कारण और पता लगाएं और फिर इस स्थिति से उबरने के लिए समाधान निकालें। इससे आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। टिप्स नंबर 6, खुद का अवलोकन करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही होती हैं जिसके प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहराई से पड़ते हैं और हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए मन पर काबू पाने के लिए आसपास की चीजों से सचेत रहें। इसके अलावा अपने मन में आ रहे विचारों से भी पूरी तरह अवगत रहें। अपने मस्तिष्क को आदेश देते रहें और कुछ अलग कार्य करने की कोशिश करें। इसके बाद अवलोकन करें कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। टिप्स नंबर 7, बाहरी चीजों को हावी न होने दें। कुछ बाहरी कारक होते हैं जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। उदाहरण के लिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं और विभिन्न लोगों से मिलते हैं तो हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग होता है। इसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है, लेकिन आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कैसा व्यवहार या कैसा कार्य करना चाहिए। बल्कि इसके अलावा आपको अपनी मानसिक स्थिति बदलने की जरूरत होती है। यह आसान नहीं होता, इसमें कुछ टाइम भी लगता है, लेकिन यह संभव है और आप इसका फर्क भी देख सकते हैं। लगातार अभ्यास करने से आपके मस्तिष्क का नियंत्रण बढ़ता है और आप अपने मन पर काबू पाना सीख जाते हैं। दोस्तों, आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।